உள்காண்டே 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 मिल्किंग करता है क्या? अरे भाई ऐसे कौन मिल्किंग करता है भाई? मैं करता हूँ ना मतलब भाई बछड़ा है और इसका नाम रखा है हमने और आज जो है कि भूरी का है दूसरा दिन, तो आज करेंगे भूरी की मिल्किंग। और देख सकते हो कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि जो भूरी की बछड़ी थी वो उसके पैर पे खड़ी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बहुत भूरी की जो बछड़ी है बहुत कमजोर आई थी, क्योंकि उसकी माँ ऑलरेडी कमजोर हो गई थी क्योंकि बूढ़ी हो गई ना, तो उसकी वजह से जो उसकी बच्ची है वो भी थोड़ी सी कमजोर आ गई थी। लेकिन अभी जो है वो उसके पैर पे खड़ी हो पा रही है और एकदम ओके है। तो अभी भूरी की करेंगे मिल्किंग, पहले तो थोड़ा सा बच्चे को दूध पिलाएंगे। अले अले अरे अले 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 अले। तो अभी जो भूरी की जो बछड़ी है वो आराम से दूध देखिए पी रही है, देख सकते हैं आप। माला डोल लेता हूँ, जो डोला ने कुलूला है शड़ायू। तो अभी भूरी को लगाएंगे रस्सी, जो हमारे में उसको शड़ाया बोलते हैं। तो अभी शड़ाया माला भाई और डोल दोनों लेके आएंगे, फिर अभी फटाफट से जो भूरी है उसका मिल्किंग कर लेंगे। और इधर है कुट्टी, लेकिन कुट्टी का अभी तक मिल्किंग बाकी है, क्योंकि कुट्टी जो है वो हरी भाई के हिस्से में है, वो मेरे हिस्से में नहीं है, तो मैं उसका मिल्किंग नहीं करता, वो हरी भाई मिल्किंग करने वाले है। और भूरी जो है वो मेरे हिस्से में है, तो भूरी की जो मिल्किंग है वो मैं ही करूँगा। तो अभी माला भाई जो है वो डोल लेने को गए, लेकिन अभी तक आया क्यों नहीं। माला इधर आ जा जल्दी। और अभी आप देख सकते हो इसमें दो चार दिन लगेंगे इसको रिकवर होने में, क्योंकि बहुत कमजोर आई है, तो 2-4 दिन में ये जो बच्ची है एकदम शानदार हो जाएंगी। और आप देख सकते हो एकदम शानदार आए, आप देख सकते हो एकदम कैसा दिख रहा है। पूरी जो बछड़ी है एकदम लाल है, लेकिन यहाँ पे जो इसको डॉट है बहुत बड़ा डॉट आया है, और वो डॉट है भूरा कलर का डॉट है वो, और बाकी पूरा का पूरा जो लाल कलर है देख सकते हैं आप। तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको क्या होता है कि दूध पिलाना ही पड़ता है 2-3 दिन के लिए, बाद में इनको आदत हो जाती है। लेकिन अभी अगर ये जो छूट जाता है तो बाद में उनको मिलता नहीं है, देख सकते हैं आप। तो इधर उधर देख रहे हो कैसे कर रही, तो उसको ऐसे ही उसे हाथ में जो आंचल है उसको पकड़ के मुंह में देना पड़ता है, तो उसकी वजह से एक बार मुंह में पकड़ में आ जाए तो बाद में वो दूध पी लेती है फटाफट से, जब तक दूध उसमें खत्म नहीं होता तब तक। और अभी हरी भाई जो है उधर जो गाय है उसकी मिल्किंग कर रहा है, बाद में ओकुटी की मिल्किंग करने वाला है। और जो बछड़ा है उसका भी हमने नाम सोच लिया है, क्योंकि बहुत सारी कमेंट आई थी और कमेंट हमने पढ़ी, तो अभी जो उसमें वो बछड़ा है वो कमेंट हमने सब पढ़ने के बाद एक नाम जो है सोच के रखा है, वो आगे बताएंगे आपको। अभी इसको पकड़ना महेश भाई आगे, ठीक है, वो साइड से लेके जाए उसको, वो साइड से लेके जाए, वो साइड से लेके जाए महेश भाई, उधर से आ जाए। और अभी इसकी थोड़ी सी मिल्किंग कर लेते हैं। और इसके हमने कल इसके भी हमने वड़े बनाए थे, लेकिन क्या हो गया कि हमने व्लॉग में नहीं डाला हो, क्योंकि अगले व्लॉग में हमने वड़ा वाला जो व्लॉग था वो बना के दिया था, तो इसकी वजह से मैंने वो जो वड़ा वाला व्लॉग था वो नहीं बनाया मैंने। लेकिन अभी अगर और एक हमारी जो गाय है बच्चा देने वाली है, जो कि ब्लैक गिर है, तो जब भी वो बच्चा देंगे तो फिर से बनाएंगे, तो आपको बता देंगे। देख सकते हो इसमें जो बच्ची ने पूरा का पूरा जो इसमें एक आंचल में तो जो मिल्क है पूरा खत्म कर लिया है, तो इसका मिल्किंग अपन थोड़ा सा कम ही करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से ही थोड़ी सी जो गाय है वो कमजोर है, और पूरा दूध अगर निकल लिया तो इसका जो कैल्शियम है वो एकदम कम हो जाएगा, क्योंकि कुट्टी का वैसा ही हुआ था। हमने कुट्टी का जो पूरा मिल्किंग है वो नहीं निकाला था, लेकिन क्या हो गया कि हमने थोड़ा सा मिल्क जो है वो निकाल लिया, और बाद में जो बछड़ा है उसने पूरा का पूरा जो मिल्क है वो पी लिया, तो इसकी वजह से जो कुट्टी का कैल्शियम है वो पूरा कम हो गया था। इसकी वजह से हमें डॉक्टर लाना पड़ा और उसकी दवाई वगैरह कर दी। अभी कुट्टी आप देख सकते हो, अभी जो कुट्टी है एकदम ओके है, ठीक है, क्या भाई बताए बोले। तो हरी भाई जो है सामने मिल्किंग कर रहा है, और सुरेश भाई बताता मैं, आइए ये देखिए, देखिए कैसे मिल्किंग कर रहा है। ऐसे भला कोई मिल्किंग करता है क्या? अरे भाई ऐसे कौन मिल्किंग करता है भाई? मैं करता हूँ ना कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। देख मिल्किंग कैसे कर रहा गजब आदमी है वो। हाँ ऐसे कोई मिल्किंग करता है? तू ऐसे बैठ के मिल्किंग क्यों कर रहा है बता मेरे को। हाँ? हाँ?
अबे गड्ढा ने पैर रखा दोस्तों, अगर गड्ढा ने पैर रखा उसको हो गया आज 7-8 दिन हो गया, पर मेरे भाई तूने अभी अभी आधा एक घंटे पहले खाया है बहुत, इसकी वजह से तू ऐसे बैठ के दूध निकल रहा है, क्योंकि जो इसका पेट है वो भी आता है तो बैठ नहीं सकते, तो कैसा बैठ के मिल्क कर रहा है देखिए। अबे क्या यार तो अभी चलते हैं आगे, और ये रहे हमारे मालू भाई। हेलो, हाउ आर यू? ओह आई एम फाइन। और इधर देख सकते हो जो कि अपना कुटी का बछड़ा है, और आज मैंने माइक नहीं लगाया है क्योंकि माइक आज जो एक मेरा दोस्त है वो भी उसके वॉइस में इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता है, तो उसके लिए वो जो माइक है वो लेके गया है, तो आज बिना माइक का ही मेरे को ये जो व्लॉग है शूट करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हो ये कुटी का बछड़ा है, और इसका नाम रखा है हमने माधव। और आप सब ने बहुत सारे कमेंट किए, और मैंने आपके ही कमेंट में से बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़ा, और इसका जो नाम है मैंने माधव रखा है। और थैंक यू सो मच कि आप सब ने इतना सारा कमेंट करके मुझे बताया कि आप ये नाम रखो वो रखो, तो मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप सब मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच, ऐसा सपोर्ट बनाए रखिए। और अभी फटाफट से कर लेते हैं मिल्किंग, क्योंकि मेरे जो पूरे के पूरे गाय है अभी तक मिल्किंग के बाकी है, तो कर लेते हैं फटाफट से मिल्किंग, क्योंकि सुरेश भाई की फर्स्ट गाय है मिल्किंग की, अभी तक सुरेश भाई ने स्टार्ट ही किया है। हरि भाई के 3 गाय जो है वो मिल्किंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो अभी जो शाम का टाइम होता है जब भी हम मिल्किंग होती है तो सबकी ऐसे ही दौड़ दौड़ होती है, क्योंकि ऐसा अंधेरा पड़ता है तो बाद में यहाँ पे लाइट का व्यवस्था नहीं है, तो उसकी वजह से कुछ दिखता नहीं है, उसकी वजह से बहुत जल्दी दौड़ा दौड़ी में जब 6:30 से 7 बजे तक मिल्किंग का काम है वो जो एकदम हम खत्म कर लेते हैं। और आप देख सकते हो जो कि इसकी बच्ची वो है जो कि दूध पी रही है, और वो जो गाय है लीली को चाट रही है, देख सकते हो आप, क्योंकि लीली जो है वो सबकी प्रिय है। लीलो लीलो, तो इधर देख सकते हैं आप सबका काम चालू है, उधर सामने सुरेश भाई मिल्किंग कर रहा है, और हरि भाई जो है वो कुटी का मिल्किंग कर रहा है अभी, तो इधर हरि भाई जो है अभी कुटी का मिल्किंग कर रहा है, और अभी कुटी खा रही है, खाना है, थोड़ा सा कम खा रही है ना, हाँ थोड़ा नॉर्मली कम खा रही है, लेकिन अभी जो कुट्टी है खाना एकदम से सही से खा रही है। अब देख सकते हो जो कि हमने अभी उसमें पशु जो आहार है वो डाला हुआ है, और साथ में कुट्टी है तो एकदम खा रही है। और भूरी की जो छोटी बच्ची है वो देखिए अपनी, वो इधर इधर आ रही है पूरे, और कुट्टी उसे यहाँ से उसकी बास ले रही है, इधर क्यों आ रही है। अभी देखिए यहाँ पे ऐसा होता है, अगर उसका मिल्किंग किया तो उसको पशु आहार और कुट्टी रखी है, लेकिन देखिए ये वाली है उसे खींच के ले रही है, तो उसके लिए क्या होता है कि एक आदमी स्पेशल चाहिए। अब सुरेश भाई जब भी मिल्किंग करता है तो उसके साथ माला भाई होता है वो जो पशु आहार रखने के लिए, छोटे छोटे बच्चे छोड़ने के लिए, और मैं जब मिल्किंग करता हूँ तो मेरे साथ होता है महेश भाई, और हरि भाई जब भी मिल्किंग करता है तो हरि भाई के साथ कोई भी नहीं होता, हरि भाई अकेला उसके मिल्किंग करता है ना, वो उसके हाथ के जो छोटे बच्चे हैं वो खुद छोड़ के लाता है, और उधर लाके छोड़ता है पहले, बाद में जाता है फिर पशु आहार लेके आता है, तो हरि भाई के साथ कोई नहीं होता, और मेरे साथ तो महेश भाई होता ही है। हरी अलिया तू अकुनो आनू है तो लिया खास कहीं तारू आ हरिया करो खा तू, तो अभी फटाफट से मिल्किंग कर लेते हैं चलिए। तो सुरेश भाई जो है अभी दूध लेके जा रहा है, तो अभी वो बांध रहा है क्यान, और अभी सुरेश भाई अभी जाएंगे, तो सुरेश भाई कितने बजे आएंगे तू? हाँ सच बोल दे, 9 बजे अभी दूध लेके जाने का, यहाँ से 4 किलोमीटर और आता है 9 बजे वहाँ, तब तक क्या करता है जब उसके दोस्त लोग मिल जाते हैं तो वहाँ बैठते के टाइम पास करता है, और बापूजी है फिर उसके ऊपर चिल्लाते हैं कि इतना टाइम कोई दूध देने के इतना टाइम लगाता है क्या, और जब मेरे बापूजी इस पर चिल्लाते तो मेरे को बहुत खुशी होती है। क्या बात है मैं तो बोलता हूँ बापूजी तेरे अखन दिन लकड़े लेके ऐसे तो फटक से आ चल जल्दी। और इधर टीनू और आर्यन, अभी आर्यन तो अभी चाय दूध पी रहा है, सा दूध पियो है हाँ टीनू सा दूध तारे पियो है, आर्यन ने पियो है, कौन है पियो आर्यन ने। और दोस्तों और एक बात, इधर आ तुम, सुरेश भाई ने और मैंने दोनों ने एक शर्ट पहना है, लेकिन ये शर्ट मेरा है, मेरा शर्ट है इसने गायब किया है, तूने खरीद के लाया, क्या बात कर रहा है यार तू
दोस्तों जहाँ हो यार मर भूने दाल तो यार यो इला नहीं ये शर्ट मेरा है, मेरा है क्योंकि मैं एक कलर के दोनों लाया था लेकिन सुरेश भाई ने नहीं दोस्तों सुरेश भाई का सुरेश भाई का है वो, उसका है, मेरा नहीं, मेरा नहीं तो अभी जो है कि चलते हैं अपने रूम पे, जो कि ये अपना रूम है आप देख सकते हो। तो अभी तक खाना नहीं हुआ है लेकिन अभी मिल्क और पूरा का पूरा जो काम है हो गया है फिनिश, तो अभी यहाँ करेंगे थोड़ा सा आराम। तो अभी क्या करते हैं कि फाइनल जो पूरा काम खत्म हो गया तो अभी यहाँ पर बैठेंगे और वीडियो जो ब्लॉग बनाया है उसे, क्योंकि हमारा डेली ब्लॉग होता है तो डेली ब्लॉग हमारा शाम को 7:30 बजे आ जाता है। तो अभी यहाँ बैठ के पूरा काम फिनिश होने के बाद जो ब्लॉग है उसे करेंगे अपलोड। और हमारा फर्स्ट जो यूट्यूब का हमारा फर्स्ट ब्लॉग था वो मैंने यहीं से पकड़ के ऐसे ही फ़ोन पकड़ा था और यहाँ से ही शुरुआत की थी लगभग सुबह के 4:30 बजे होंगे, 4:45 को मैंने सुबह वीडियो स्टार्ट किया था लगभग मेरे ख्याल, हाँ वही भी, क्योंकि मेरा स्टार्ट जो है वो यहीं से हुआ था। और आज लगभग हमारे चैनल पे पूरे के पूरे लगभग 45 ब्लॉग लगभग हमारे चैनल पे हो चुके हैं। और 45 ब्लॉग होने के बाद जो फर्स्ट ब्लॉग बनाया था वहाँ पर मैं फिर से आया हूँ। तो अभी चलो ब्लॉग को अभी अपलोड कर देते फटाफट से और फिर मिलते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो, कैसे सब, कैसा है? तो आई होप आप सब मौज में हो, अगर मैं भी एकदम मौज में हूँ। तो अभी जो गाय है वो लेके हम पूरे के पूरे आ गए हेवाड़ा में, देख सकते हो पूरे के पूरे हो गए गाय आ गए हेवाड़ा में। और सुबह हम गए थे ट्रैक्टर भरने के लिए, तो ट्रैक्टर जो है वो पत्ती का भर के लाए थे और ट्रैक्टर जो है खाली भी कर दिया। और आज सुबह हम ब्लॉग बनाने में हमें टाइम नहीं मिला तो फिर थोड़ा सा लेट हो गया। तो फिर अभी हमने जो ट्रैक्टर है यहाँ पे खाली कर दिया है और अभी गाय है आज बहुत जल्दी छोड़ के लेके आ गए, क्योंकि रोज़ हम 10:30 बजे गाय को छोड़ते हैं लेकिन अभी 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि ठंडी बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से हम बहुत जल्दी गाय को छोड़ दे रहे हैं। और फुलकांडे, क्योंकि जल्दी अगर खा ले जब तक धूप पड़ती है तब इनका खाना हो जाता है, तो धूप पड़ती है तो फिर आराम से बैठ सके, तो उसके लिए हम बहुत जल्दी छोड़ते हैं। और आप देख सकते हो गाय उधर भाग रही है, ये गाय जो है इधर भाग रही है और रोज जो है गांव में भाग जाती है, मुझे याद नहीं लगभग तो नहीं आता है। फुलकांडे 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 खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देख सकते हो वो गांव में भाग गई, क्योंकि गांव में है ना, गांव वाले इसको जो रोटी होती है, रोटी और सब कुछ खिलाते हैं, इसकी वजह से उसको आदत पड़ गई है और रोज़ गांव में भाग जाती है। और गांव में जाके रोटी खा के आती है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या करती है बाद में, ये टाकी के वो बाजू गेहूं का एक खेतर है, खेत है और दूसरा एक ज्वारी और मक्का भी लगाया हुआ है, तो क्या करती है सीधी गाँव में जाती है और पूरे गाँव में राउंड मार के रोटी पीटे खाने के बाद तुरंत वापस आ जाती है। वापस आके सीधी वहाँ जाती है और वो जो गेहूँ है, मक्का है, वो खा लेती है, तो किसान भाइयों का नुकसान करती है, इसकी वजह से हम उनको गांव में नहीं जानते थे। लेकिन वो देखो अभी भाग गए, मेरे को पकड़ में नहीं आई, ठीक है चलो जान दो, अभी देखते हैं बाद में। और जो बाकी के दूसरे जो गाय है वो कभी नहीं जाते, खाली जो एक वो एक ही जाती है, क्योंकि जब गाय चरने के लिए जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, जब गाय दिखते हैं तो घर में से रोटी वगैरह ला के गाय को देते हैं, तो उसको एक आदत पड़ गई है तो डेली भाग जाते हैं। हम बहुत ध्यान रखते हैं लेकिन फिर भी आज, क्योंकि सब कोई नहीं आया था, मैं अकेला था, सुरेश भाई और माला भाई बाकी उन्होंने पीछे गाय छोड़ रहे थे तो मैं अकेला आ गया, तो मैं उधर खड़ा रहा तो ये गाय जो इधर से भाग गई। तो अभी देख सकते हो गायब हो गई, वो सीधे सीधे गाँव में जाएंगे, पूरा में राउंड मार के रोटी भी टखा और तुरंत ही आके उधर वो गेहूँ में जाएंगे, तो ध्यान रखना पड़ेगा हमें जब तक वो अभी वहाँ से दिखी के इधर हकल के लाने पड़ेंगे। और जो दूसरे गाय है वो एक भी गाय गांव में कभी नहीं जाती, लेकिन वो एक जो गाय है वो उसको आदत है तो बहुत भाग जाती है। तो अभी वो माला भाई आने के बाद जाएगा और बाकी जो गाय है अभी यहाँ पर पत्ती खा रही है। और चलिए अपन चलते हैं अभी आगे, अभी जो सामने ट्रैक्टर पड़ा है वो लेके मुझे जाना है मार्केट में पाला भरने के लिए। और आज लिली नहीं आई है, हाँ नहीं लिली आई नहीं, पीछे अभी तक तो पीछे आ रही है। तो अभी चलते हैं आगे और अभी मुझे क्या करना है कि इसके ऊपर जाना है और मुझे बनानी है इंस्टाग्राम रील्स। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पे अगर हमें फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे जाइए और जगदीश जुगराना कैसे भी ऐसे सर्च कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ऊपर जाना है और हमें ऊपर जाके रील्स बनानी है।
तो खास हम रील्स बनाने के लिए जो यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके पास से हमने जो ये चाबी है वो रख ली है, क्योंकि तो इसको अभी से यहाँ पे रख देंगे और इसमें कलर है। तो फाइनली जो है हम ऊपर आ चुके हैं और अभी नीचे जो है कि हरी भाई आ रहा है। हरी भाई आ गए लेकिन हरी भाई अभी कुछ काम यहाँ पे करने वाले नहीं, क्योंकि अभी ट्रैक्टर को सेल मारेंगे, वो जाएंगे मार्केट को और मुझे जाना है पीछे अपनी लाल परी जो बाइक है वो लेके जाऊँगा मैं पीछे से। और नीचे सूरज भाई भी आ गया है, तो अभी सूरज भाई अरे भाई ऊपर है जाले मट दे। तो अभी हम यहाँ पे बनाने वाले रील्स, तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया है तो इस व्लॉग को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें नेक्स्ट व्लॉग जो है किस पर बनाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, तो आप यार इतना तो कर ही सकते हो। तो सभी को रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसा सपोर्ट बनाए रखिए। और मिलते हैं कोई नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।